जी बिल्कुल, 2012 में आया था मैं अंडर 19 के साथ एज अ कप्तान, और अब मैं आया हूँ T20 का कप्तान बन के, तो काफ़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। और दूसरी बात, हम नंबर वन टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी अच्छी साइड है, तो अच्छा आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा, और ये कि अच्छा चैलेंज मिलेगा। बाबर, अब पहली बार आप कैप्टनसी करेंगे, वो भी इतने मुश्किल टूर पे, आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, तो कितने तैयार हैं आप इस हद के लिए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिसबॉल लग ज़्यादातर आप कैप्टनसी करेंगे, और पीछे से आप देखेंगे। ग्राउंड में तो मैं ही करूँगा ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस देखें, 2012 में भी मैंने कप्तानी की, और उसके बाद 2015 में मैं एज अ प्लेयर खेलता आया हूँ, और चार साल हो गए हैं, तो चीज़ें काफ़ी सीखने को मिली हैं, और कोशिश करूँगा कि जो सीखा है वो अप्लाई करूँ। बाबर, कुछ नई एडिशंस हैं टीम में, जिस तरह से मूसा खान है, फिर खुश दिल शाह हैं, सो आर यू एक्साइटेड कि आप यू नो एक यंग टीम को लीड कर? जी बिल्कुल, काफ़ी यंग टीम है, एक्सपीरियंस और यंग टीम काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है। जैसे एक्सपीरियंस में देख लें, बहावर आजम, मोहम्मद आमिर है, इरफान है, तो उसके साथ जो हमारा यंग लोट है, हसनैन है, और जो अभी खुश दिल शाह भी आए हैं, और जो यंग फास्ट बॉलर आए हैं, तो मूसा खान, वो उसका काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है। बातें हो रही हैं आप पर प्रेशर की, आपकी अपनी कारकर्दगी प्लस जो टीम की जो मतलब है मजमू तौर पर जो कारकर्दगी होगी वो भी आप ही जो है ना उसको देखेंगे, और जैसे आपने कहा कि कप्तानी आप ही करेंगे ग्राउंड में, तो आप इसको बैलेंस करने की पोजीशन में हैं या इसको कोई स्ट्रेटजी बना रखी? जी बिल्कुल, इस प्लानिंग की हुई है, प्लानिंग यही है कि परफॉर्मेंस देंगे तो किसी पर प्रेशर नहीं आएगा। एज अ प्लेयर जब बैटिंग टाइम सिर्फ ये है कि बैटिंग का सोचूंगा, जब फील्ड में होगा तो फील्डिंग का और कप्तानी का सोचूंगा, ये नहीं कि मैं दोनों तरफ प्रेशर लेके खेलूं मैं। जी बाबर, आप ये बताइए कि आपकी जब अनाउंसमेंट हुई एज अ टीम कैप्टन फॉर टूर ऑस्ट्रेलिया, तो आपके जहन पे कोई प्रेशर था कि इतनी बड़ी टीम का सामना करने के लिए मेरा पहला टूर है? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पहले भी खेलने आए थे हम टीम के साथ, उससे अंडर 19 में भी आए थे, तो कंडीशन का थोड़ी चीज़ें पता है, कंडीशन का इनो है, तो इतना कोई प्रेशर नहीं था। जैसे कि टीम हमारी काफ़ी जेल है, और काफ़ी एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, और चीज़ें काफ़ी आसान है। सरफराज की किस हद तक कमी महसूस करेंगे आप, वो हमेशा उनके साथ रहते? सरफराज ये भी कहते थे कि आप उनको कहते थे कि आप सरफराज भाई प्लेयर्स पे चीखे ना, लेकिन वो कह रहे थे जब वाइस कैप्टन बने तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सही चीखते थे। जी बिल्कुल, काफ़ी मिस करेंगे उनको, और जितनी उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान टीम के लिए, जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि नंबर वन टीम बनाई है उन्होंने, तो इंशाल्लाह इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा कि नंबर वन टीम को कंटिन्यू और अच्छी परफॉर्मेंस करते रहें। Baba, Sri Lanka couldn't get David Warner out, so how confident are you guys you can have some success against him? जी बिल्कुल, प्लानिंग की है उसके लिए, और कोशिश करेंगे कि अर्ली ऑन उनको आउट करें, और उसके लिए हमारे जो मेन फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद इरफान और मोहम्मद आमिर, तो कोशिश करेंगे अगर अर्ली ऑन उनको आउट करें। So what Baba has just said, that we've got a plan ready for David Warner. Obviously, you know, he's one of Australia's really good batsmen. We have our frontline bowlers. We have a strategy ready for David. Obviously, once he gets going, he gets going. But we have a strategy in place for all facets of it. He may already have answered this earlier, but Baba, how important are these matches looking ahead to next year's World Cup in Australia? जी बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप भी यहाँ पे यहीं पे है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और अच्छा परफॉर्म करें, और जी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी साइड है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।
So what Babar has just said, that preparations are always there for the upcoming World Cup. However, you know, we will be primarily focusing on the games at hand. Obviously, Australia are, you know, has always been a challenge, and we hope to perform here, and which will lead us to success in the World Cup. Baba, do the Australian conditions, does the T20 format make them less beneficial to Australia, do you think? Is it easier to play 2020 cricket in Australia than, say, Test cricket out here? जी मेरे ख्याल से इजी है टी ट्वेंटी के लिए क्योंकि टेस्ट क्रिकेट थोड़ी डिफरेंट है वाइड बॉल बॉल क्रिकेट थोड़ी डिफरेंट है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वाइड बॉल काफ़ी अच्छी होगी और क्योंकि टू विकटें होती हैं यहाँ पे तो हमने इस चीज़ की प्रिपरेशन भी की है जो मैच खेला है उससे हमने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है और नेट में भी काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया है